भाई हम सुन्नी हैं, बेशक हम क्या हैं, सुन्नी हैं, हम दोनों को मानने वाले हैं, बेशक अहले बैत इत्तेहाद को भी और सहाबा इकराम को भी मानते हैं, बेशक बेशक। तो खुदारा महफिल का रंग ऐसा बनाया करो कि बैठने वाले को पता चले मैं उस महफिल में बैठा हूँ जो दोनों को मानने वाले। सुभान अल्लाह, ये मन में टेंशन न चलाया करो। अली का जिक्र हो रहा है, हुसैन का जिक्र है, ज़हरा का जिक्र हो रहा है, सिद्दीक का जिक्र कौन करेगा, उमर का जिक्र कौन करेगा, यार हुसैन का जिक्र करते हो, हसन का जिक्र क्यों नहीं करेंगे, वो भाई नहीं है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन तो कहते रहते, कभी या हसन भी कहा है। हजरत साहब क्या वो पैतन बाद में शामिल नहीं है, बोलो ना यार, क्या वो सरकार के नवासे नहीं है, क्या वो फातिमा ज़हरा के नाम का जिक्र नहीं है, क्या वो हुसैन के बड़े भाई नहीं है, उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता। अगर मैं गलत कहूँ खुदा की कसम, मेरा लिहाज ना करूँ, खड़े होके वो अभी साहब गलत कह रहे हैं, मैं सबके सामने माजरत भी करूंगा। क्या इमाम हसन को सरकार ने जन्नती नौजवानों का सरदार नहीं कहा, ऊंची बोलो, इनका जिक्र क्यों नहीं होता। सिर्फ इसलिए जिक्र नहीं करते कि इन्होंने हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला से सुलह की थी, इसलिए जिक्र नहीं करते। अगर इनका सुलह करना गलत काम था तो गलत काम करने वाला जन्नत में जा सकता है, थोड़ा सा ऊंची आवाज में। तो सरकार ने तुमको जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है, इससे पता चला हमारी तारीख गलत हो सकती है, हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारी रिसर्च गलत हो सकती है, मेरे आका का फरमान गलत। अरे जहां ये पढ़ते हो जिसने नाना का वादा वफा कर दिया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, और वहां ये भी पढ़ा करो जिसने नाना का वादा वफा कर दिया उस हसन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। ये मेरा बेटा जो हसन है दो मुसलमान ग्रोहों में सुलह का बायस बनेगा। और कभी अजर साहब अब मेरी बात सुनो, मैं यकीन दानों कभी गौर से देखता हूँ तो मुझे हसन का मकाम हुसैन से भी बुलंद नजर आता है। हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, इनको मेरे आका का कुर्ब ज्यादा मिला हुआ है, सब ज्यादा मिली हुई है। और दूसरी हजरत जी की बात सुनो, कुर्सी हाथ आ जावे ना तो बंदा कहना सारी दुनिया मर जावे, मेरी कुर्सी नहीं मैं छड़नी। यार इमाम हसन ऐसी असली है जिन्होंने सरकार की उम्मत का खून बहाने की बजाय कुर्सी पर लात मार दी है। अरे जिसने अपने कुर्सी को लात मारी सरकार की उम्मत की बका की खातिर, मैं कहता हूं उससे बुलंद बंदा कौन हो सकता है। और एक बात मैं और कह दू, हजरत साहब तुम अपने घर के मालिक जे, मैं ताडे नाल दुश्मनी नहीं रखा तो तुम मैं घर वड़न दोगे। सच्ची गल करना, घर के तुम मालक हो तो मैं ताडे नाल दुश्मनी रखा, घर वड़न दोगे। अरे मेरा हसन जन्नत का मालिक है, उसे दुश्मनी रख के जन्नत में कैसे दाखिल होगा। बेशक बाद में शामिल है कि नहीं। जी 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 जी
फिर सरदारों का जिक्र होना चाहिए।